Dear students now we are going to learn how to recode a variable in SPSS software uh, in SPSS software we can recode variable into two ways uh, recode into a same variable and recode into a different variable in this module we are going to see uh, how to recode a variable into a same variable if I talk about the command of this uh, uh, procedure, you have to click the transform and in transform you have to click on the record, and into recode you have to click in the recode into same variable. Once you click it on the recode into the same variable, this type of dialog box will be open and at your screen. Uh, you have to select the variable which you want to record. बेसिकली तो रिकॉर्डिंग जो की जाती है वो इंडेक्स लेवल के वेरिएबल्स पे की जाती है या कंपोजिट स्कोर्स जो आपने मैयर किए हों उसके लिए आप रिकॉर्ड करते हैं वेरिएबल को यहाँ पे हमने जो वेरिएबल सेलेक्ट किया है रिकॉर्डिंग के लिए वो है जनरल इन्जाइटी डिसऑर्डर आप उसको सेलेक्ट करने के बाद इस डायलॉग बॉक्स में लाएंगे और जब आप इसमें बॉक्स में ले आएंगे तो ये आपसे पूछेगा ओल्ड एंड न्यू वैल्यूज तो आप जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि आपके वैल्यूज़ जो हैं क्या हैं न्यू और ओल्ड वैल्यूज़ क्या हैं और न्यू वैल्यूज़ क्या हैं जो आपके पास स्क्रीन शो हो रही होगी जब क्लिक करेंगे उस टैब को तो वो कुछ इस तरह की होगी और इसमें फिर आपने अपनी जो है वैल्यूज़ एंटर करनी है बेसिकली तो वैल्यूज़ जो एंटर की जाती हैं रिकॉर्डिंग में वो रेंज फॉर्म में की जाती हैं तो जैसे कि यहाँ पे दिखाया है मैंने आपको कि ये जो वेरिएबल जो हम जिसको रिकॉर्ड कर रहे हैं जनरल एंगजाइटी डिसऑर्डर उसकी रेंज है वन टू ट्वेंटी वन यानी उसका स्कोर जो रिस्पॉन्डेंट्स ने आ, रिपोर्ट किया है वो वन से लेकर ट्वेंटी वन तक है तो हमने इसके लिए दो लेवल्स बना लिए हैं एक हमारी रेंज है वन से टेन तक और दूसरी है अलेवन से ट्वेंटी वन तक तो यहाँ पे आप उसकी लोएस्ट वैल्यू और यहाँ पे आप उसकी हाईएस्ट वैल्यू जब लिखेंगे तो यहाँ पे आप उसका न्यू वैल्यू लिखेंगे जैसे यहाँ पे एलेवन से ट्वेंटी वन की वैल्यू हमने दी है टू वन से टेन तक की वैल्यू हमने दी है वन इसको लिखने के बाद हम इसके बटन के साथ ऐड को क्लिक करेंगे तो ये यह यहाँ पर ऐड इन हो जाएगी दोनों वैल्यूज़ को ऐड करने के बाद हम कंटिन्यू के टैब को क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाला इंटरफेस दोबारा आ जाएगा यहाँ पर जब ये दोनों ऐड हो जाएंगी तो हम कंटिन्यू को जब क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाला इंटरफेस दोबारा से आ जाएगा यहाँ पर आने के बाद आपने ओके के टैब को क्लिक करना है जब आप ओके के टैब को क्लिक करेंगे तो आपका जो पहले स्कोर जो कि कुछ इस शेप में था जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर का वो अब इस शेप में आ गया है यानी हमने उसको रेंज के थ्रू उसकी दो वैल्यूज़ बना ली वन एंड टू अब ये नमेरिकल वैल्यूज़ हैं ये कोई मीनिंग कन्वे नहीं कर रही हैं हमको हमने तो ये जो अब, दो वैल्यूज़ बनाई हैं वो ये देखने के लिए बनाई हैं कि क्या जो जनरल एंग्जाइटी डिसऑर्डर है उसका लेवल क्या है इसके लिए अब हम हमें क्या करना पड़ेगा हमें जाकर वेरिएबल व्यू में ये जो हमने न्यू वैल्यूज़ इसमें एंटर कर दी हैं वो यहाँ पर वैल्यूज़ के सेक्शन में जाकर उसका उसके लेबल्स ऐड करने पड़ेंगे तो जैसे हमने यहाँ पे ऐड किए हैं वन स्टैंड फॉर द लो एंड टू स्टैंड फॉर द हाई तो जब आप इसको यहाँ पे ऐड कर लेंगे तो ये वाला जो आपका डेटा था जो इस शेप में था अब वो कुछ इस शेप में आ गया है हाई एंड लो के फॉर्म में तो रिकॉर्डिंग इनटू सेम वेरिएबल इसीलिए की जाती है कि एक कंपोजिट स्कोर को हम नॉमिनल लेवल पे ले आए जब हमने एक डेटे में से किसी कंपोजिट स्कोर को किसी चीज़ की प्रेवलेंस देखते हुए उसको लेवल पर आकर जज करना है